अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुरान और हदीस में अनार का जिक्र क्या है और इसके फायदे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। दोस्तों फल जो कि कुदरत द्वारा इंसानों को अता की हुई बड़ी नेमत है। फलों में एक फल को जन्नती फल कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनार की, जिसे जन्नती फल कहा जाता है। आखिर क्या राज छिपा हुआ है इसके पीछे? दोस्तों अल्लाह पाक ने इसे क्यों पैदा फरमाया? अनार को लेकर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क्या फरमान हैं और उन्होंने क्या नसीहतें फरमाई हैं? अल्लाह ताला ने कुरान में भी अनार का कई जगह तहस्कर भी किए हैं। दोस्तों क्या आप सुपर फूड के बारे में जानते हैं? सुपर फूड अक्सर सुना होगा आपने। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि सुपर फूड किसे कहते हैं। दरअसल सुपर फूड उस खाने को कहते हैं जो खाना आपको हर तरह के विटामिन देता है, जो आपके सेहत के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उस खाने से मिली है और जिससे हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। कुरान में अनार को जन्नत का मेवा कहा गया है। कुरान में 3 बार अनार का जिक्र आया है और इंसानों को इसके बारे में बहुत नसीहतें की गई है। कुरान में अल्लाह ताला ने अनार का जिक्र करते हुए तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि जो लोग इस फल को खरीद कर ना खा सके, तुम उस फल को खरीद कर उसको सदके में दिया करो। दोस्तों आपको बता दें कि हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास भी अनार के बगावत थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर तायफ में ही अनारों के एक बाग में चश्मे का पानी पुराने जमाने में दिल की बीमारी के लिए दवे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अनार खाया उसके दिल को रोशन कर दिया। एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनार खाओ और उसके अंदर का पर्दा खाओ जो कि पीले रंग का होता है, जो कि पेट के मर्ज के लिए बहुत मुफीद है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आदत थी, जब उन्हें अनार का दाना ज़मीन पर पड़ा हुआ दिखता तो वह उसे उठाकर खा लेते और फरमाते कि अनार के दाने में कोई भी ऐसा दाना नहीं है जिसमें जन्नत के नारे के दाने का पानी ना हो। ये कहावत तो दोस्तों आपने ज़रूर सुनी होगी कि एक अनार और 100 बीमार। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि सिर्फ अनार में ही नहीं, उसके पत्तों में, उसके दरख्त में और उसके जड़ों में, हत्ता की अंदर के पीले पर्दे में भी बेशुमार फायदे हैं। कुदरत ने अनार के अंदर बेशुमार बीमारियों का इलाज छुपा रखा है। दोस्तों ये इस्लामिक मालूमात है, जितना आपको हम बता रहे हैं दूसरे को भी आप जरूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों हमें आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।